नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के इच्छुक हैं तो मुथूट फाइनेंस का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो मुथूट फाइनेंस में अभी भर्तियां चल रही हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आप इसे अप्लाई भी कर पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो कंपनी है ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो गोल्ड लोन, हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, गोल्ड लोन, मनी ट्रांसफर, NCD, म्यूचुअल फंड, मुथूट आई विल, पैन कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, इसके अलावा डिजिटल एंड कैशलेस, व्हीकल लोन, होम लोन, कॉर्पोरेट लोन, SME लोन, ये सारी की सारी सर्विसेज मुथूट फाइनेंस के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो जून से आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पर जून लास्ट तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं पोस्ट वाइज, उनके लिए अलग अलग डेट होता है, लास्ट डेट होता है, तो वो डिपेंड करता है उस वैकेंसी पे कि उस वैकेंसी में भी लास्ट डेट कितना बचा है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी किसी भी कैटेगरी के लिए, यानी यहाँ पर आपके लिए खर्च करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है एज क्राइटेरिया की। तो अगर आपकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसे भी पोस्ट मिलेंगे जहां पर आप 40 वर्ष से भी अधिक समय तक अप्लाई कर पाओगे। नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 से भी अधिक पोस्ट है जिनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि किन किन जॉब प्रोफाइल पर अभी वैकेंसीज चल रही हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो यानी अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो अभी इस पे वैकेंसी चल रही हैं। इसके साथ एडवर्टाइजिंग सेल्स, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग मैनेजर, लोन ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, BFSI, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, बैंकिंग ऑपरेशंस, नेटवर्क मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा HR जर्नलिस्ट, कस्टमर इंगेजमेंट, बैंक ऑफिस ऑपरेशन, पर्सनल बैंकर, कस्टमर सक्सेस, हेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट एंड ब्रांच सेल्स मैनेजर, ये कुछ जॉब प्रोफाइल हैं जिन पे अभी भर्तियां चल रही हैं। अब जान लेते हैं कि किस किस लोकेशन में आपकी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली NCR में जॉब चल रही है, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, भोपाल में, इसके अलावा चंडीगढ़ में, गुवाहाटी में, हिसार में, जयपुर में, जालंधर में, करनाल में, कोलकाता, लखनऊ में भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएंगी, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, पुणे, राजकोट, सिलीगुड़ी, सूरत, वाराणसी, हावड़ा, जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट इसे अप्लाई कर सकता है, बट बहुत सारी ऐसी ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिनके लिए ग्रेजुएशन में कुछ में इंजीनियरिंग मांगा जाएगा, कुछ में MBA मांगा जाएगा, साथ ही साथ कुछ में BBA, BCom, MCom इस जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाएगी। यह जो जॉब है फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है। एक्सपीरियंस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए आपके पास 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन आपका किसी प्रकार के रिटन टेस्ट के बेसिस पे नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी जो कि 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए और इंटरव्यू के समय, तो रिज्यूम चाहिए, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दिखाइएगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना चाहिए, इसके अलावा जो पे स्लिप है वो पे स्लिप भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो हमने जान लिया इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अब जानते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई जॉब चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल भर के आप इसे सर्च कर सकते हैं। अभी कितनी वैकेंसीज खुली हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारी वैकेंसीज खुली हैं। तो यहाँ से आप जिस भी वैकेंसी के लिए फिट होते हो उसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किस पोस्ट के लिए सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब आपको दिखेंगे तो जिसमें भी आप सटीक बैठते हो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ये जॉब है, ठीक है, कटनी में है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जॉब है, केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, इसमें 0 से 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसे मान लीजिए आपको अप्लाई करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि आपकी सैलरी कितनी होगी, पर एनुअम की सैलरी है 2 लाख से 3 लाख के बीच में एंड यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाया गया है। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, वो भी रेगुलर हो, केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर 29 वर्ष तक एज है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रोल आपका रहेगा कस्टमर सर्विस का, सैलरी यहाँ पे है, इंडस्ट्री आपका जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की है,
ठीक है, फंक्शनल एरिया आपकी कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशन की है, रोल कैटेगरी कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशन की है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका फुल टाइम परमानेंट है। तो यहाँ से आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, इस अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होता हुआ दिखेगा, इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, ठीक है। सबसे पहले नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको लोकेशन डालना है, इसके बाद करंट लोकेशन आपको डालना है, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, फिर यहाँ से आपको अपना रिज्यूम जो है उस रिज्यूम को यहाँ से अपलोड कर देना है और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। अगर रिज्यूम नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपसे बहुत सारी डिटेल मांगा जाएगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरना है और फिर फाइनली आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर पाओगे। चलिए हम किसी और जॉब को देख लेते हैं और अप्लाई करके देख लेते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो जॉब पसंद नहीं आती आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 14 पेज तक है तो एक है, फिर दूसरे पे आप जाएंगे दूसरा पेज यहाँ ओपन हो जाएगा, फिर ऐसे ही तीसरे पेज पे चौथे पेज पे आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जॉब आपको देखने को मिलेंगी, इनमें जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हो उस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपको लोकेशन वाइज जॉब अगर चाहिए, सपोज करिए आपको अप्लाई, देखिए यहाँ पे लोकेशन आपको दिख जाएगा कि किस किस लोकेशन में कहाँ कहाँ जॉब है और कितनी जॉबें हैं, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी लोकेशन पे आपको जॉब चाहिए आप यहाँ पे जाओ, अगर जॉब वहाँ पे रहेगी तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। न्यू दिल्ली में अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप न्यू दिल्ली को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब न्यू दिल्ली में है वो आपको दिख जाएगी। चलिए हम किसी को अप्लाई करके देख लेते हैं और उससे हमें और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए इसमें से हम किसी को अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इस जॉब को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो, ठीक है, डिटेल देखने के साथ यहाँ पे आप वेन्यू देख सकते हो, वेन्यू में आपको टाइम दिया गया है और कहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, वो आपको जगह यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे फ़ोन नंबर उस पर कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे फिर आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, करेंट लोकेशन डालना है, एक्सपीरियंस डालना है और आपको फाइनली अपना रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर देना है, या फिर अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके फिर आपको डाटा एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इसके डाटा को एंटर करोगे, फाइनली आप सबमिट करोगे, इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको इसके एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझ आया होगा, इजीली आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनमें रिलेटेड वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।